ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਧਾੜਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। केजरीवाल साहब को दिल्ली में चले जाइए, केजरीवाल साहब ने एक वादा दिल्ली में नहीं पूरा किया। 600 करोड़ का एडवर्टीजमेंट जरूर दे रहे हैं वो, लेकिन दिल्ली चले जाइए तो प्रशांत किशोर जी ये बताएंगे कि इस तरह का कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाइए जिस पर लोग यकीन नहीं करें, विश्वास नहीं करें, क्योंकि देश के लोग मोदी जी से और केजरीवाल साहब से दोनों से ठगे हुए फील कर रहे हैं। देखो, केजरीवाल ने पंजाब के लोग धाड़वी समझते हैं, धाड़वियों को कदे पंजाब के लोगों ने प्रवान नहीं किया। केजरीवाल का ना पंजाब नाल लेना देना, ना पंजाब के सभ्याचार को जानता, ना कदे पंजाब के मसलों पर पहला कदे उन्हें कोई योगदान। तो अज मलो मली पंजाब के रस तो उन्होंने कौन किवें संभालेंगे पंजाब के लोग। पानिया के मुद्दे से श्रोमणी अकाली दल बड़ा स्पष्ट है और अज तो नहीं, हमेशा ही श्रोमणी अकाली दल ने यह स्टैंड लिया कि देश के विच दुनिया के विच जिस कानून मुताबक पानिया की वंड होंगी वो भी साढ़े से लागू होनी चाहिए है। हर प्रदेश के विच जो भी कितने पानिया का झगड़ा होया, हर देश के अंतरराष्ट्रीय लेवल से जो भी झगड़े हुए तो रिपेरियन लॉ नूं ही आधार मनिया गया, पर साढ़े नाल धक्का होया, बेइंसाफी हुई एमरजेंसी के दिनों। तो अज की सरकार तो असं जरूर मांग करते हैं भी वो जिहड़ियां पार्शल एटीट्यूड पिछली सरकारां ने रखिया, विधान कानून मानतावां छिके टांके साढ़े नाल न्याय होया, अज घट्टो घट्टो बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए।